हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज 9 दिसंबर 2023 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में किस ज़िले के बरगांव चारभाठा में मुगल कालीन सिक्के मिले हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजनांदगांव जिले में मिले हैं। अब राजनांदगांव जिले की बात आई है तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना 1973। राजनांदगांव शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो शिवनाथ है। कितने बहती है? 290 किलोमीटर बहती है। मुख्यालय राजनांदगांव, मातृत्व दुर्ग, दुर्ग से पृथक करके राजनांदगांव जिले का निर्माण किया गया है। मुख्य खनिज यहाँ है लौह अयस्क, बोरिया, बिट्टू, न्यूरेलियम, भंडाली, टोला से प्राप्त किया जाता है। फ्लोराइड चांदी, डोंगरी से प्राप्त किया जाता है। खरजीटी प्लास्टिक पार्क डेढ़सारा फूड पार्क स्थित है। इडवानी फूड प्रोसेसिंग पार्क ये सब कहाँ है तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। 27 नवंबर 1988 राजनांदगांव से नागपुर प्रदेश का प्रथम ब्रॉड गेज रेल प्रारंभ किया गया है। राजनांदगांव और नागपुर के बीच प्रथम रेल चलाया गया है। 1892 बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना राजनांदगांव में की गई है। प्रथम किसान मॉल की स्थापना कहाँ है तो राजनांदगांव में किया गया है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ 1956 एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय तथा प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापना वीरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा किया गया है। डोंगरगढ़ प्राचीन नाम कामतावती पुरी बमलेश्वरी माँ मंदिर निर्माण राजा वीर सेन द्वारा कराया गया यही है। प्रज्ञगिरी की पहाड़ी, मैकल श्रेणी, चितवा डूंगरी, नवपाषाणकालीन गुफा सब कहाँ है तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए। दुर्ग जिले का प्राचीन नाम क्या था? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जगपालपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में चर्चित बिहारपुर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कोरिया जिले में स्थित है। अब कोरिया जिले की बात आई है तो कोरिया जिले के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। स्थापना 1998। जिला मुख्यालय बैंकुटपुर, मातृत्व जिला सरगुजा, सरगुजा से पृथक करके कोरिया जिले का निर्माण किया गया है। विधानसभा क्षेत्र भरतपुर, सोनहट, मनेंद्रगढ़, बैंकुटपुर। मुख्य चट्टान तो गोंडवाना क्रम, कोयला भंडारण क्षेत्र, चिरमिरी, कुसरिया, काटकोना, झिलमिला, झगड़खंड, यहाँ से कोयला भंडारण क्षेत्र है। जनजाति है कोल भील। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सबसे बड़ी जनजाति राजस्थान में स्थित है। बैंकुटपुर हवाई पट्टी जो राज्य शासन के अधीन है। यहाँ पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1441 वर्ग किलोमीटर, पूर्व नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान था। हसदो नदी 176 किलोमीटर उद्गम देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत से हुआ है। चांगबखार देवगढ़ की पहाड़ी नोट कोरिया का अधिकांश भाग पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। अमृतधारा जलप्रपात, हसदो नदी, गौरपाट जलप्रपात, रामधारा जलप्रपात, सोनहट की कुशरियों की पहाड़ी ये सब कहाँ है तो कोरिया जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46वां राउत नाचा महोत्सव में किस दल ने प्रथम स्थान हासिल किया? 46वां राउत नाचा महोत्सव किस दल ने प्रथम स्थान हासिल किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राउत नाचा दल बसिया ने प्रथम स्थान हासिल किया है। यह किस जिले में हुआ है तो यहाँ बिलासपुर जिले में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का नाम चंदेला, कुरही, मुड़फोरवा और
शुआ पहाड़ी भी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सुतिया पाट। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंडिया गार्ड।